खबर प्रयागराज से। यहाँ इस मंदिर में होती है ग्रहों की पूजा, और सोमवार को किस ग्रह की लोग करते हैं पूजा, और 499 साल बना होली पे ऐसा सहयोग, जानकर हो जाएंगे आप दंग। देखें, ये जो संयोग बना है ये होली का, यह 499 साल बाद बना है, और इसमें सबसे बड़ी विशेषता जो है वो क्या है कि देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव अपनी स्वराशियों में हैं, तो ये सभी राशियों के लिए धन वैभव यश के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसका जो मुहूर्त है आज होलिका दहन का अपना, वो 6:22 से लेकर के 8:58 तक है, ये शुभ मुहूर्त है। और इस बार सभी राशियों के लिए यह होलिका दहन बहुत ही शुभ है, सभी लोग बड़ा मन से होलिका की पूजा करें। इस बार ये ने बताया कि शनिदेव और गुरु बृहस्पति यह अपनी स्वराशियों में हैं, इसलिए सभी राशियों को इस बार बहुत ही उत्तम फल मिलने वाला है, और यह संयोग 499 साल बाद पड़ा है दोबारा से। जी, इस बार होली पर किस तरह से कार्यक्रम होगा यहाँ पर मंदिर में? मंदिर में तो हमारे आज होलिका दहन होगा, यही चौराहे पे हम लोग करते हैं सब लोग सामूहिक रूप से, तो होलिका दहन करेंगे। होलिका दहन के बाद कल जो है यहाँ पे गुलाल अबीर की और फूलों की होली खेली जाएगी। कल मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि सभी लोग किसी भी चीजों से, जैसे कोरोना है और ये जो आ रही है बीमारियां, इन सब चीजों से न घबराएं, और केवल अपनी मस्ती से कल होली मनाएं, एक दूसरे को सौहार्दपूर्ण फूलों से गुलाल से होली मनाएं, किसी को कोई परेशानी न पैदा होने दें, और नशा लोग कम करें और रोडों पे कम घूमें, यही मैं कहना चाहूंगा। और सब लोग खुशी हंसी खुशी से त्यौहार मनाएं, और सब राधे राधे है, क्या बात है। सोमवार एक्चुअली सोम हमारे चंद्रमा जी है हमारे, उनको बोलते हैं, वो सामने है, इनका मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, यह शीतलता प्रदान करते हैं लोगों को, ठीक है। और ये इनका मंत्र है, ये लोगों को जो गुस्सा उस्सा जिन लोगों को आता है या ऐसा होता है, तो इनका रत्न है मोती, ठीक है ना, उनको धारण कराते हैं सोमवार के दिन, और इनका मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, और इनकी पूजा होती है। इनका रंग सफेद है, इनके वस्त्र सफेद है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब